अम्बेडकर बौद्ध विलेज नैनपुर सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट विधानसभा यूपी स्टेट उत्तर प्रदेश। देखो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत था, तो अयोध्या यानी कि पुष्यमित्र सिंह ने जो बिना युद्ध के जीती गई उसका नाम रखा अयोध्या बिना युद्ध के। पुष्यमित्र सिंह को ही महर्षि वेद व्यास उसने वाल्मीकि ने उसको भी नाम नाम दे करके उसका व्यक्तित्व राम नाम दे करके उसको जप दिया वहाँ पर। तो ये सब अंधकार है और ये सब गलत है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मान चुका है, अपने आदेशों में मान चुका है। तो जब बुद्ध की प्रतिमा वहाँ पर लिखते साल 2003 और सन 2002 के बीच में, तो क्यों ना वहाँ पर बुद्ध मंदिर बनवाया जाए और बुद्ध मंदिर को वहाँ पर बुद्ध मठ को वहाँ पर सरकार बनाने का आदेश नहीं देती है, हमारी एप्लीकेशन को खारिज करती है। पूरी दुनिया में सिर्फ दो विचारधारा है, एक समता की है और दूसरी विषमता की। जहां विषमता है वहां नफरत है, और जहां नफरत है वहां कलह है, जहां कलह है वहां औन्नति है, जहां औन्नति है वहां हिंसा है, और जहां हिंसा है वहां विनाश है। ये जाति और धर्म विषमता की व्यवस्था है और हमारे ऊपर थोप दी गई है, इसको हम धो रहे हैं। ये ब्राह्मण की जो गलती कर दिया कर दिया, लेकिन हम धो रहे हैं तो सजा भी हम भुगत रहे हैं। जहां समता है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां भाईचारा है, जहां भाईचारा है वहां उन्नति है, और जहां उन्नति है वहां शांति, और जहां शांति है वहां युद्ध नहीं बुद्ध। ब्राह्मणों ने विषमता को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना डेवलप की। चमार है तो भमिर छेंच पर है, कुर्मी है और छेंच पर है, मौर्या जी है और छेंच पर है, यादव जी और छेंच पर। हर आदमी खुश है कि हमारे नीचे कोई है, मगर कोई नहीं सोच रहा है कि हम किसके नीचे। धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जाति, जाति में ऊंच नीच, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो गर्व से कैसे कहें हम हिंदू हैं, इसलिए हमने पूरे देश में नारा लगा दिया है, गर्व से कहो हम शूद्र। शूद्र 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 इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण झूठ बोल करके भी ब्राह्मण शब्द पर गर्व कर रहा है, और हम मेहनत करके शूद्र शब्द पर गर्व नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा एंटीना हटा दिया गया, शूद्र शब्द को नीच कह दिया गया। आप बच्चे को रोज कहिए गधाओ गधाओ गधाओ, गधा बन जाता है। तो हमने अपने आप को गधा मान लिया। आप चौराहे पे चले जाइए, एक यादव जा रहा, मौर्या जा रहा, कुर्मी जा रहा, धोबी जा रहा, पासी जा रहा, चमार जा रहा, कोई नहीं पूछ रहा। पांचवी फेल पंडित आ रहा, हम खुद खड़े होकर बोल रहे हैं प्रणाम पंडित। हमने अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में सेट कर रखा है हम तो नीच लोग। तो मैं वही लोग कह रहा हूँ, नभ में जल में थल में जो कुछ दिख रहा है वो आपका बनाया हुआ है, आपकी बनाई हुई सड़कें हैं, आपका बनाया हुआ रेल यातायात है, आपका बनाया हुआ मंदिर है, आपका बनाया हुआ मस्जिद है, आपके बनाए हुए कल कारखाने हैं। इसलिए भारत बाप को बाप कहने का अधिकार अगर किसी को है वो आपको है, भारत बाप के ऊपर राज करने का भी अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। इसलिए गर्व से कहो हम शूद्र। और हमने कविता बना दी, शूद्र लोग आप रोते क्यों बार बार, 12 करोड़ वोट पर बन जाती सरकार, जब आप हो ही 85 करोड़ के पार तो अगली बार बना लो अपनी सरकार। दंगा फसाद के चक्कर में आप आते हो बार बार, इसीलिए तो नहीं बनती आपकी कभी भी सरकार। मीडिया से सावधान रहो, इनका नहीं आपसे कोई सरोकार, लुटेरों के रूप में ये आ जाते हैं बार बार। अन्नदाता भी आप ही हो, पकाने वाले भी आप ही हो, क्यों उठा लगाते दूसरों को बार बार। ललकार का एक शूद्र आपको, पहचानो अपनी शक्ति, इस बार शूद्र इस देश का मालिक है, अब तो बना दो उसकी सरकार। जब आपकी सरकार होगी तो बुद्ध की विरासत भी होगी। सम्राट अशोक पावर में थे तो आज दुनिया में बुद्ध फैल गया। तो हमारे लोगों का चरित्र बदलना, समता का चरित्र बना दीजिए, सब कुछ आपका होगा। गांव गांव में पैटर्न लगाने की जरूरत है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गठन किया था अलेक्जेंडर, तो उन्होंने ये पाया वहां पे कि जब खुदाई हुआ तो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और बहुत सारे अवशेष मिले, गोलाकार वस्तु भी मिला। तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे सबसे पहले जो है कि बुद्ध विहार था, फिर 1891 और 1890-91 में फिर खुदाई हुई, सेम चीज को मिला। फिर जो है कि 1960-61 में हुई, वही चीज मिला। 2002-2003 में हुआ, वही चीज मिला। लेकिन जब बाबर वहां पे मस्जिद बनवाया तो बुद्ध की जो वहां पे प्रतिमाएं वगैरह थी तो जो स्तूप था उसको विघटित किया और जो है कि वहां पे बुद्ध विहार बना, बाबरी मस्जिद बनवा दिया। साथियों हमारा कहना ये है कि हम लोग जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं तो ये एक फैसला नहीं हम पे जो है कि थोपा जा रहा है।
और 10 तारीख को जो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले थे जंतर मंतर पे, तो 9 तारीख को शाम को 6 बजे फोन आता है हमारे यहाँ कि आप लोग आ जाओ और हमें कुछ बात करनी है। तो DCP हम लोग बुलाता है, हम RPG और भी काफी हमारे तमाम साथी थे, हम लोगों ने गया वहाँ पे, हम लोगों से ये कहा गया कि देखो जी फैसला आ गया है और आप जो है कि अब कोई यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो हम लोग बोले कि क्यों, तो हम लोग ये बोले कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, तो उन्हें ये लगा ये लोग प्रदर्शन करेंगे। फिर वहाँ पे जो DCP थे वो संजोग से यादव थे, तो वो इस चीज को समझते थे। तो वो बताया कि देखिए अभी 21 तारीख का जो आंदोलन हुआ था उसमें जो 96 लोग बंद हुए थे, आप लोग फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर वैसे जो है कि जो इंडिया के सारे लोग आ रहे हैं उनको हम लोग उठा करके बंद करेंगे, आप लोग तो बंद होंगे चलो ठीक है, आप लोग यहाँ पे रह रहे हो चलेगा, लेकिन और जो लोग बंद होंगे उनके साथ क्या होगा, और अभी जो 96 लोगों की जमानत हम लोगों ने कैसे करवाया है, यहाँ पे जितनी लॉयर टीम हमारा लगी थी किस हिसाब से हम लोग मिल करके जमानत करवाए हम समझ रहे। तो हम लोग इस चीज को देखते हुए सभी लोगों से बात किया गया और ये इस निष्कर्ष पे निकले कि चलो ठीक है हमारा जो परमिशन कैंसिल कर रहे हैं तो कर दो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम आंदोलन करेंगे। और भी जो हमारे तमाम साथी थे जो लॉयर हैं यहाँ पे, उन लोगों ने हमें सुझाव दिया कि नहीं आप लोग जो है कि आंदोलन अभी बंद कर दीजिए और फिर आगे का देखा जाएगा। तो इसी मसले का हम लोग इकट्ठा हुए हैं इस बात करने के लिए कि आगे की रणनीति क्या बनेगी, और हम लोग जो है कि जो चीज उन्होंने हासिल कर रखी है वो चीज हम क्यों नहीं हासिल कर सकते, वो सत्ता पर काबिज है और जिनकी सत्ता होती है वो कुछ भी करते हैं। ये आप ही ने कहा कि उन्हीं के हक में आना था फैसला, तो हम उस चीज को क्यों नहीं हासिल कर सकते जिससे हमारी जो ये समस्याएं हैं सबका समाधान हो जाए। क्योंकि अभी राम मंदिर और चाहे वहां से बुद्ध की प्रतिमा निकले, चाहे वहां से मस्जिद निकले, कुछ भी निकले, लेकिन फैसला तो उनके हक में ही आना, ये आपको मालूम, क्योंकि वो सत्ता पर काबिज है। तो हम उस चाबी को क्यों ना हासिल कर लें जिससे हम अपनी जो समस्याएं इनका ताला खोल सके, यानी कि हमें सत्ता पे काबिज होना चाहिए और सबको उसी रास्ते पे जाना चाहिए कि हमें सत्ता हासिल करनी है और इन मनवादियों को जवाब देना है जिस तरीके से ये हमारे पीछे लगे। जय नहीं पड़ेगी ऑन द रिकॉर्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तब तक बुद्धिस्टों की सुनवाई प्रॉपर तरीके से किसी भी फोरम पे होने की संभावना नहीं है। बाबा साहब ने 21 साल तक विभिन्न धर्मों की स्टडी करने के बाद हमें बौद्ध धर्म चुन कर दिया। 17 साल के बाद भी एक जो रेस्पेक्टेबल पोजीशन है संख्या भारत में बुद्धिस्टों की नहीं हो सकी। महाराष्ट्र में 65 लाख बुद्धिस्ट हैं, 65,31,200 जो कि रेस्पेक्टेबल एक स्ट्रेंथ है, जहाँ के जहाँ से महाराष्ट्र से बाबा साहब बिलोंग करते थे, और यूपी जो कि भगवान बुद्ध का केंद्र रहा है वहाँ पे बुद्धिस्टों की पॉपुलेशन है 2,06,285 जो कि 0.10% है। अब मेरा ये कहना है ये जो फोन में है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ बोल रहा हूँ, ये बुद्धिस्ट और भगवान बुद्ध के उद्देश्य को लेकर चल रही है। अयोध्या क्योंकि अयोध्या पहले साकेत था, वहाँ पर जो हमारा एक पक्ष है कि वहाँ पर ना मंदिर बनना, राम मंदिर बनना चाहिए ना बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, वो जगह सबसे पहले भगवान बुद्ध से कनेक्टेड थी, साकेत थी, वहाँ बुद्ध विहार बनना चाहिए। इस विषय पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इस चीज़ से को समर्थन करता हूँ, लेकिन हमें कुछ काम करना है। काम ये करना है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं नहीं, उसमें से गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर कितने बुद्धिस्ट हैं, एक चीज, क्या हम इस पोजिशन में नहीं है, क्या हम पढ़े लिखे नहीं है, क्या हमारी जेब में पैसा नहीं है, क्या हम थोड़ी मेहनत करके गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट नहीं बन सकते। जो सरकारी एम्प्लॉई है जिसको प्रमोशन लेनी है, रिजर्वेशन लेनी है, उनको आप एक्साइट कर दीजिए। जो हाउस वाइफ है, प्राइवेट बिजनेस करते हैं, सरकारी एम्प्लॉई नहीं है, वो तो कम से कम एटलीस्ट फॉर्मेलिटीज और पैसे से अच्छे खासे फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट करके सरकारी रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट बनकर और बुद्धिस्टों की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ बैठे हमारा सर किस में काउंट होता है, हिंदू धर्म में काउंट होता है, बौद्ध धर्म में काउंट होता है, हिंदू में ये शर्म की बात है नहीं। अच्छा मैं ये भी काम करता हूँ कि भाई कुछ लोग ऐसे अगर मिले तो भाई मैं फॉर्मेलिटी में पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है नहीं, उसके लिए भी हम किसी से रिक्वेस्ट करके अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन आगे तो आइए पॉपुलेशन तो बुद्धिस्टों की बनाइए। बाबा साहब के ऊपर संस्था चलाने वाले
नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत है दिल्ली में नहीं, और इतने दिन हो गए कि बुद्धिस्टों की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, 200-300 बुद्ध विहार है, भारतीय बौद्ध महासभा क्या काम कर रही है? जब तक बुद्धिस्टों की पॉपुलेशन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं बढ़ेगी, जब तक ना भारत की धरती के ऊपर हमारी जो फॉर्म है किसी भी फॉर्म पर ठीक से सुनवाई नहीं होगी, ना विदेशों में जो बहुत बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ भी हमारा मान सम्मान नहीं होगा, तो हम लोगों को ऑन द रिकॉर्ड बुद्धिस्ट बनना चाहिए। अभी 2011 में सेंसस होगा, 2011 से 2021 में सेंसस होगा, और 2021 से पहले 2020 भी आएगा। सेंसस के टाइम लोगों को जागरूक करें, जो सेंसस वाले आए वो अपने आंखों से देखे वो रिलीजन के कॉलम में बुद्धिस्ट लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, पेंसिल से ना लिख रहे। और जब तक 2020 सेंसस नहीं होता, जब तक आप लोग बुद्धिस्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट बनने की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके बुद्धिस्ट बनिए और एक एक करके पॉपुलेशन को बढ़ाइए। नहीं क्या क्या फॉर्मेलिटीज है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, कैसे आप बुद्धिस्ट बन सकते हैं उसकी गाइड करने के लिए मैं बैठा हूँ। एक स्टेप पे आपको गाइड करूँगा, हेल्प प्रोवाइड करूँगा। नहीं जब हमारी आरपीजी है ये अभय गौतम जी बहन, ये मैं पहले भी जहाँ भी जाता हूँ मैं ये करता हूँ, और जब भी मेरे पास टाइम होता है संडे को मैं कभी इस बुद्ध विहार जाता हूँ, कभी इस बुद्ध विहार, कभी इस बुद्ध विहार, वहाँ लोगों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट बनो, मेयर से पूछो फॉर्मेलिटीज में करता हूँ, एक एक करके बुद्धिस्टों की पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी रेस्पेक्ट भारत के देशों में भी होगी कि इंडिया में जो भगवान बुद्ध की धरती है वहाँ पर इतने बुद्धिस्ट, और यहाँ पर भी जो भी सुप्रीम कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो बुद्धिस्टों की पॉपुलेशन देखकर अभी ये लोग क्या कहते हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कैसे अलग है, ये सवाल खड़ा कर दिया। अब इसलिए बता रहा हूँ, सुनिए, दिल्ली के अंदर कोई भी पीएचडी स्कॉलर यूनिवर्सिटी का और सारे भिक्षुओं ने आज तक मुझे एविडेंस नहीं दिया कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कैसे अलग है। फिर मैंने बॉम्बे फोन किया मीराताई अम्बेडकर एंड कंपनी को, किसी ने नहीं दिया। पटना फोन किया सीएम पीपल जो अभी नहीं गई बौद्ध महासभा, उनको उनसे बात करो, किसी के पास आज भी एविडेंस नहीं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कैसे अलग है, सवाल ये खड़ा है। अब मुझे तो काम करना था, इस बंधु मंदिर का 50 में देता हूं, सुप्रीम कोर्ट में पीआई को इस केस में पार्टी बनना है, ये बात आ गई। तो अच्छा मैंने मिस्टर कोलिन से बात की जो जिन्होंने वो केस डाला डॉक्टर वीरेंद्र कौर का, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के बहुत सीरियस एडवोकेट हैं जिन्होंने रावण की भी जमानत कराई थी आपको मालूम हो, उनके पास जब हम आरबी कौल साहब को लेके गए उनके चैम्बर में जंगपुरा में ऑफिस है, सैकड़ों वकील काम करते हैं विदेशी भी काम करते हैं, उन्होंने कहा बौद्धों ने कोई काम 70 सालों में नहीं किया है, कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास बेट नहीं है तो कैसे तुम्हारी एडमिट हो जाएगी अपील। बड़ी समस्या पड़ी होगी, तो मैंने कहा सिक्कों ने 1908 में आनंद मरी एक्ट तैयार किया बौद्ध विवाह, उनका हिंदू मतलब विवाह कानून आनंद मरी एक्ट, गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट है और वो बराबर काम करते हैं। हिंदू मरी एक्ट जब बन रहा था संसद में तब भी उनके प्रतिनिधि ने साइन नहीं किया, उस समय बाबा साहब विधायक भी नहीं थे ना एमपी थे, मिनिस्टर थे, रिजाइन कर चुके थे और बराबर संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग तो कोई करता नहीं ना, कोई बौद्ध महासभा करती है, 3 बौद्ध महासभा महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा लड़ रही है, 1 बौद्ध महासभा दिल्ली में, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रही है। सबसे पुरानी संस्था है कुशीनगर भिक्षु संघ, उसके बाद जो वो हमारे जो अनेक धमपाल जी थे उन्होंने कुशीनगर बनाई दूसरी संस्था, पर इंडिया में कोई बहुत संस्था पुरानी थी नहीं, बाबा साहब ने उसी दीक्षा ली डॉक्टर भंतेयु चंद्रमणि जी से, कुशीनगर भिक्षु संघ के अध्यक्ष थे। तब साथियों सवाल यह आया कि अब मैं कैसे इस काम को करूँ कि बौद्ध धर्म को साबित करूँ कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की शाखा नहीं है, आप सब लोग समझिए। तो डॉक्टर भिक्षु सत्यपाल माथेरा जो यूनिवर्सिटी में 35 साल तक प्रोफेसर रहे और विदेशियों को पीएचडी और एमफिल कराते हैं, मैं चूंकि उनका मीडिया थीसिस प्रकाशित करता था प्रबुद्ध जगत मैगजीन में और दूसरी मैगजीनों में, प्रिंट मीडिया से रहा तो काम बराबर करता रहा बुद्धिज्म का, तो मैंने कहा गुरु जी क्या हो सकता है, बोले आप पहले तो ये बताओ अगर काम करना चाहते तो मैं यहाँ दिल्ली में नहीं कर सकते क्यों, बोले दिल्ली में आपके पास कोई होटल नहीं है, 100-200 कमरे नहीं है आपके पास, अगर आप डेलीगेट्स को बुलाते हैं तो 100 कमरे दो कहाँ से देंगे, पैसा नहीं बहुत नहीं है, मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ, मैं बुद्ध गया जा रहा हूँ और मेरे बाद मेरे गुरुजी के अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र है जहाँ सैकड़ों कमरे हैं और आप उन वहाँ पर इस इशू को बात करने के लिए बुलाइए सबको, ठीक है। मैंने जैसे आप
मौर्य जी ने बुलाया थे, बुला लिया तो तमाम बौद्ध भिक्षु, तमाम संगठन, बुद्धिस्ट मंक्स इकट्ठा कर दिया और हमने यही क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि हमको सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बिरेंद्र कौर की याचिका में पार्टी बनना है और ये साबित करना है कि बौद्ध हिंदू नहीं है। ये बात थी। तो वहाँ पर हमारे कुछ नागपुर के साथ कुछ बौद्ध भिक्षु, काफ़ी विद्वान लोगों ने, एक हमको बहुत पक्का एविडेंस मिला जो 1981 से राज्यसभा में पेंडिंग है, बुद्धिस्ट मैरिज वैलिडेशन बिल, जो एस डब्ल्यू धाबे ने लगाया था राज्यसभा में, आज भी सर बुद्धिस्ट है। बट मैंने एक चीज नोट की है, और जब तक हम अपनों की कमी नहीं बताएंगे अपनों को, तो हम उनके हित से नहीं हो सकते। अभी सर ने चूहे वाली बात बताई थी बिहार में कि चूहा मार गया, तो सर के मुंह से लिखड़ा राम राम, तो मैं नहीं मान सकता कि सर बुद्धिस्ट हो गए। मेरा अपना विचार है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए क्योंकि मीडिया है सामने। तो साथियों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसका विशेष मुद्दा है कि भाई अयोध्या के अंदर राम मंदिर डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट बताइए किसकी है, बीजेपी की? ये नॉर्मल सी बात है, जितने भी जज बैठे चाहे वे दबाव में दे रहे हो डिसीजन, चाहे उनकी सहमति से दे रहे हो, लेकिन डिसीजन आया है बीजेपी और आरएसएस की। हमारा एक अपना एक विचार है, वैचारिक विचार, ना तो वहां राम मंदिर बने ना बाबरी मस्जिद बने, अगर बनना है तो वहां पर एक चैरिटी हॉस्पिटल बनने चाहिए जो भगवान गौतम बुद्ध के नाम से रहेगा, ताकि जो मानवता के लिए काम किए ना, ना तो राम, वहां तो मंदिर में ना तो राम बैठेगा, ना बाबरी मस्जिद में आके अल्लाह बैठेगा, और ना गौतम बुद्ध बिहार में भगवान गौतम बुद्ध जी बैठेंगे। गलत है। अगर काम होना चाहिए तो मानवता के लिए काम होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, जिस तरीके से मुझे ISHC में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स का जो इंडिया का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, मैं उस लेटर पैड के द्वारा UNO में ये रिपोर्ट बना के भेजूंगा कि ना तो राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि अगर भारत वर्ष के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी रास्ते बंद हो जाते हमारे लिए, तो एक रास्ता बचता है, वो है UNO में, संयुक्त राष्ट्र में। वहां पर एक हम अपने लेटर पैड पे, अपने संगठन द्वारा भी और जो कोऑर्डिनेटर बनेगा उसकी लेटर पैड पे भी वहाँ एक फैक्स करेंगे कि यहाँ पर कायदे में तो चैरिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए या एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ताकि गरीब बच्चों का या तो भविष्य बने या गरीब बच्चों का वहाँ इलाज हो सके। अगर करना है तो मानवता के लिए करो, ना तो मंदिर बाबा साहब मंदिर से हमें निकाल के गए और हम मंदिर में घुसड़े जा रहे हैं, ये सच्चाई है। मैं अपना थोड़ा सा बायोडाटा बताना चाहता हूँ, समय कम लूंगा क्योंकि देखो सभी लोग हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है। मैं गांव-गांव जाकर कैटर करता हूं, 8 राज्यों में संगठन एस्टेब्लिश है, 8 राज्यों में संगठन चला रहा हूं और मैं अकेले नहीं चला रहा, समष्टि में महिला विंग भी है, किन्नर विंग भी ले रहा हूं। आज तक किसी संगठन ने किन्नरों को सम्मान नहीं दिया, लेकिन हमारे संगठन ने किन्नरों को सबसे पहले सम्मान दिया है, क्योंकि झांसी हमारे से काम नहीं चलेगा, हमारे बहुजन समाज से काम नहीं चलेगा, वहां किन्नरों को हटा देंगे सरकार तो सरकार, यहाँ का RSS भी घुटनों के बल आ जाएगा अगर किन्नर अपनी ताकत पे आ जाए। दूसरा, मैं 3 साल से लगातार गांव-गांव जाकर कैडर करता हूँ, और अगर किसी को यकीन ना हो तो फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब चेक कर सकता है, लगभग सभी मीडिया बंधु वाले जानते हैं मुझे, मेरे बड़े भाई है, और इसका सबसे ज्यादा सबसे पहले तो जाता है मेरे बाबा साहब का, उसके बाद आते हैं मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इतने अच्छे संस्कार दिए, और उसके बाद आते हैं KP चौधरी जी जो मुझे किराए तक का भी सपोर्ट करते हैं। आज एक कड़वा सच बता दूं, मैं अपने घर से अलग रहता हूं, रीजन है क्योंकि 4 भाई होते हैं, अलग अलग डिवाइडेशन हो जाते हैं जब शादियाँ हो जाती हैं, बट मुझे जितना भी सपोर्ट करते हैं KP चौधरी जी करते हैं, लेके खाने से और मेरे किराए तक का। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देखो सत्ता भी जरूरी है, और जो बहन जी पे उंगली उठाता है उससे बड़ा बेवकूफ नहीं मानता जी, चाहे कोई बुरा मान जी, क्योंकि यूपी के अंदर बहन जी 4 बार CM रह चुकी है, अगर किसी के माइक लाल में दम हो तो एक MLA बनकर दिखा दियो, अगर MLA बन भी गया तो तल में फिर भी RSS वालों के छट्टेगा, BJP वालों के छट्टेगा, देख लो परमाणे 131 MP MLA बैठे, मुझे बता दो कौन से अयोध्या वाला मामला उठाया, या तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर गुरु रविदास जी का गुरुधाम तोड़ दिया गया, कौन से MP MLA ने, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 8 दिन 15 दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, राज्यसभा से बहन जी ने इस्तीफा दिया, और देखो सब्बीरपुर के अंदर कोई नेता नहीं गया था, बहन जी 50,000 के चेक बांट गई थी थोड़ी है, और लखनऊ के अंदर बहुजन समाज की एक ताकत बना दी, लोग कहते हैं कि हाथी बनवा कर बैठे, उनका जो टैक्स जाता है ना गवर्नमेंट को वो उन्हीं की देन है, वरना मुझे बता दो बहुजन समाज की पहचान कहां है इस देश के अंदर।
देखो मैं पार्टी से नहीं हूँ, मेरा वोट हमेशा बीएसपी को जाता है, कारण है। अगर मैं भाजपा को दे भी दू, कांग्रेस को दे भी दू, पासवान को या ठावले पठावले बड़े घूम रहे गद्दार समाज के, इन्हें वोट दे भी दिया मैंने तो मेरी गिनती हाथी पे होनी। तो भैया जब से पैदा हुए जब तक मरेंगे मेरी वोट और मेरे परिवार का वोट हमेशा बहन जी को जाएगा। तो मैं दो शब्द के बाद बात कर रहा हूँ भैया। देखो मेरा निवेदन है सभी से, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, मैं बीकॉम फाइनल हूँ और इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। सूरत में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम में, बाहर का आ गया था जब वो चमार महापंचायत हुई सहारनपुर के अंदर गांधी पार्क में, जहाँ पर 35 लड़के फंसे थे। हमने जिन लोगों का साथ दिया समाज के अंदर, मेरी उम्र लगभग 30 साल की एज है, ठीक है जी, मेरे दो बच्चे हैं, मैं अपनी फैमिली को भी देखता, लेकिन फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उन्हें भी अम्बेडकरवादी। 350 गांवों में से मैंने, मेरी टीम ने, हमने पूरी टीम ने 350 गांवों में से देवी देवताओं को काट कर नदियों में बहा दिया था, रेडों में। अगर किसी के माई के लाल में दमनो अपने घर में से काट के दिखा दो। उसमें 14 महीने की जेल काट का, उसके बाद 2 अप्रैल में भारत बंद के दौरान मैं जेल में गया, उत्तराखंड के अंदर मोर्चा संभाल रखा था, वीडियो भी चली थी। और जिस टाइम ये देवी देवता काटते थे ना आरएसएस वालों के, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैक्स करा था, सीधा एनकाउंटर बोल दिया था अगर अगले दिन मैं ना सरेंडर करूं ना, क्योंकि मेरी साथ के कम से कम ना होने में 25-30 लड़के ठा रखे थे मेरी फैमिली, मुझे फैमिली का डर नहीं था, वे बच्चे सारे स्टूडेंट थे। अगर मुझे हीरो बनना होता ना चंद्रशेखर की तरह, मैं आज खुला बोल रहा हूँ, अगर औरों की तरह मैं हीरो बनना होता तो मैं हाथों नहीं होता पंजाब भाग जाता, लेकिन मुझे उन समाज के बच्चों का भविष्य का देखना था। मैंने खुद का सरेंडर किया और मैं जेल गया, एक भी बच्चे पर मुकदमा नहीं चल रहा, अगर सारे मुकदमे झेल रहा तो मैं झेल रहा। तो ये अपना बायोडाटा है सर जी, और काम करेंगे हम गाँव में कैडर कैडर करते हैं बौद्धिस्ट, जब तक हम तीन जगह बांट दिए, बौद्धिस्ट अलग बना दिए, जय भीम वाले अलग बना दिए और रविदास ही अलग बना दिए, धर्म बन गए। सबसे मैंने एक बात कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ के, मेरे बड़े भाई है सभी, एक छोटी सी मेरा संदेश जरूर पहुंचाना, इसे जरूर कवरेज कर लेना बड़े भाइयों। जब तक ये भंते जितने भी भंते हैं वो धर्म वे एक स्टेज पर नहीं आवे, जब तक रविदास या धर्म के जितने भी हमारे महान संत लोग हैं वे एक स्टेज पर नहीं आएंगे, और जब तक ये समाज के सोशल वर्कर है ये अपना ईगो निकाल कर जब तक स्टेज पर नहीं आएंगे, ना तो राम मंदिर बनने से रुकेगा और ना हमारे समाज पर अत्याचार होने से रुकेगा, ध्यान रखना इस बात। और भाई यहाँ तो शुद्धि से जाना है जीवन बाबा साहब के प्रति मिशन के लिए, संगठन तो हमारी मजबूरी बना बनाने के लिए, वरना हमें संगठन बनाने का शौक नहीं, बहुत संगठनों में काम किया, क्यों किया भाई समाज का है, लेकिन आज हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। सीना टॉक का कहवा, कोई हमारे पे उंगली ठाकर दिखा दो कि हम किस तरह के करप्ट हैं, बट हम देखो हम सामने वाले से लड़ रहे हैं, कहते हैं कि मनुवादियों से लड़ो, मनुवादी नू है फलाना ढिकाना सरकार को कोसते हैं, लेकिन कभी किसी ने समाज के गद्दारों को कोसा जो समाज में बीच में रहकर समाज को खोखला करने का काम कर रहा, बताओ समाज। तो मेरा सभी से निवेदन है जैसा भी हमारे मौर्या साहब या इनकी टीम चाहेगी, आरएसएस के हाथों मारा जाएगा, पक्का मारा जाएगा, मैं दावे जाऊँ, मुझे मरने का डर नहीं है, ये मैं आप लोगों के बीच में फ्रेंकली बता रहा हूँ, इसको थोड़ा मीडिया भाइयों से सीक्रेट रखने की बात करूँ, अपील करूंगा, अगर हमने अकेला नेतृत्व किया तो पक्का मारा जाऊंगा। कि सर अगर टीम काम करे तो आइडियोलॉजी जो है जब हमारी एक है तो डेफिनेटली हम टीम पर काम कर सकते हैं, और अगर आपने कभी किसी का शिकार भी किया हो तो ये आप एनालाइज करिए अपने आप में, अगर आपके 10 व्यक्ति खड़े हैं आपके दुश्मन हैं, अगर आप एक को मारना चाहते हैं तो आप एनालाइज करेंगे यार इसको मार देने से क्या हमारा मिशन फ्लॉप हो जाएगा या मिशन हमारा आगे बढ़ेगा। अगर आपको लगेगा कि आरपी मौर्य अकेले मार देने से या उसको पिछाड़ देने से हम आगे बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली आप आरपी मौर्य को मारना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है यार आरपी मौर्य जैसे हजारों लोग खड़े हुए हैं इस मिशन को लेकर के तो कोई आरपी मौर्य को टच करने नहीं आएगा, कारण क्योंकि आरपी मौर्य के मारने के बाद 307 या 306 की जो केस बनेंगे वो तो लगेगी उनके ऊपर, साथ ही साथ मिशन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो कभी भी इस कदम को नहीं उठाएंगे। दुश्मनों को रीड करने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए अभी बहन जी की बात हो रही थी या बाबा मेसराम की बात हो रही है या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रेफरेंस ना दे करके अगर हम टीम वर्क काम करें तो डेफिनेटली बहन जी भी जीतेंगी, अगला भी जीतेगा और अगला भी जीतेगा, समझ रहे हैं ना। तो जो बातें आ रही हैं सामने, बहन जी की बात आ रही, थोड़ा सा मैं उस पर फोकस करूंगा एक पॉइंट बहुत कम समय में, कि धनानंद के जमाने में धनानंद ने 16 जनपदों के जो राजा थे उनके बेटियों को उनके बेटों को अपने कब्जे में कर रखा था,
रिमोट कंट्रोल इनके पास होता था, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, सबको इस बात का दर्द है, हम और हमारा समाज। लेकिन कहीं ना कहीं बेचारे वो ऐसे फंस गए हैं कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अगर उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है या कहीं स्टेटमेंट भी वो नहीं दे रहे हैं, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे उनकी विचारधारा मतलब उनकी भावनाओं को समझते हुए हमें समाज में एक विकल्प के रूप में खड़ा होने की जरूरत है। और अगर हम विकल्प के रूप में नहीं खड़ा होते हैं तो ये समझिए कहीं ना कहीं हम उसी नेता या उसी जिसके प्रति हम अपनी आस्था रखते हैं उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ये चीज हमारा मिशन है कि हम लोग अब टीम वर्क करें। दूसरी बात, तमाम और संगठन है, बामन मेसराम जी हैं, अंबेडकर साहब है, राय रतन जी हैं, इधर मौर्य कुशवाहा शाखी छैनी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। आप भाई साहब सम्राट अशोक क्लब को बहुत अच्छे से जानते हैं, सर आप भी बिलोंग करते हैं। इन लोगों से मेरी अपील है, बार बार अपील है, देखिए हमारे से बहुत लोग नाराज रहते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा दिल का सच्चा और सामने सामने बोलता हूँ, चाहे कोई नेता हो चाहे मंत्री हो। जितना सम्मान मैं आपका करता हूँ उतना ही सम्मान मैं नरेंद्र मोदी का भी करता हूँ। और अगर वो व्यक्ति विचारधारा मानवतावाद की विचारधारा के खिलाफ जाता है तो मैं उसको कुत्तों के बराबर भी नहीं समझता हूँ, कोई भी हो। तो मैं सम्राट अशोक क्लब से यही अपील करूंगा कि उनका जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को कहां पे लगाना, कैसे लगाना है, वहां पर आरपी मौर्य और द ग्रुप जो भी है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। मेरा कहने का मतलब, अगर आप बहुत अच्छा कैडर मेंटेन कर रहे हैं तो आप कैडर चलाइए, अगर हम कैडर नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो हम कैडर क्यों चलाएं, हम दूसरे टॉपिक पर काम करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।